हाँ तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑक्टोपैड गुरु में। आपने सुना ये जो पैच है, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना गीत का पैच है और आज ये पैच लेकर हम आपके सामने आए हैं। दोस्तों बहुत खूबसूरत टोन सुनाई दे रहा है, चूँकि हम लोग प्रैक्टिस ही कर रहे थे इस गाने की और ऐसे ही बजा रहे थे तो स्पीकर्स में लगा हुआ है और बहुत अच्छा टोन निकल कर सामने आ रहा है। आप भी ईयरफोन में सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा। दोस्तों अगर ये पैच पसंद आया हो तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, इसकी प्लेइंग कैसी है ये देखने के लिए। तो दोस्तों देख लेते हैं इसकी प्लेइंग कैसी है, चलिए चलते हैं निखिल के पास में और मैं आपको बताता जाऊँगा कि कैसे कैसे ये बजा रहे हैं। निखिल अभी आपके सामने ऑक्टोपैड प्ले कर रहे थे और मैं कीबोर्ड पर ये गीत बजा रहा था। चलिए चलते हैं निखिल के पास में। देखिए पहले जो है आपको समझना होगा कि आपको ये तीन जो खान है, लेफ्ट राइट और ऊपर का एक खान है, इसको किस तरीके से बजाना है। ये स्टाइल ये है। अब इसमें ही जो है हम दूसरी चीज़ें मर्ज करेंगे, तो कैसे मर्ज करेंगे बिल्कुल स्लो करके निखिल आपको बताएंगे और आप उसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए पहले स्ट्रोक में दोनों साथ में आया, पहले किक और ये साथ में कैसे आया, तो पहले लेफ्ट हैंड पे जो किक लगी हुई है नीचे की तरफ वो आई, उसके बाद कॉन्गो का एक टोन आया ये वाला, किसके साथ में आया ये हाई हेट ओपन के साथ में, ठीक है। उसके बाद और फिर उसके बाद जो है ऊपर स्नेयर जहाँ पर किक लगी हुई है वहाँ चला गया हाथ लेफ्ट हैंड, और फिर तुम्बे का टोन, ये तुम्बे का टोन वापस इधर पर आया। तो ये चार स्ट्रोक देख लेते हैं कैसे बजें, ठीक है। और धित्ता, फिर उसके बाद ये सिंबल आ रहा है ओपन, तो इतना फिर से देख लेते हैं। अब क्या बजाना है देखिए, अब यहां पर ही उलझने वाला है मामला, तो इधर इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब जो है हमको क्या बजाना है देखिएगा, अब इसके बाद हमको बजाना है स्नेयर, और स्नेयर के टोन के जस्ट बाद जो किक आ रही है उसके साथ में हमको ये तुम्बे का टोन लगाना है ना, और फिर उसके बाद में फिर से स्नेयर बजाना है, और स्नेयर बजाने के बाद ये बजाना है हाई हेट ओपन, और उसके बाद दोनों ऊपर के साथ में बजाना है, दोनों ऊपर साथ में जो टोन है ये बजाना है, और फिर हाई हेट क्लोज जो आ रही है लेफ्ट हैंड पे, इसके साथ में ये तुम्बे का टोन जो ऊपर लगा है वो दो बार बजाना है। देखिए कैसे, ऐसे, ठीक है। तो फिर से समझ लीजिए इस बात को, पहले जो फोर काउंट है वो तो हमने क्लियर कर लिया, उसके बाद कहाँ से आ रहा है देखिए, फोर्थ काउंट सुन लीजिए पहले, उसके बाद जो है स्नेयर का टोन आ रहा है और तुम्बे का ये कॉन्गो का जो स्लैप टोन है वो किक के साथ में आ रहा है, उसके बाद फिर से स्नेयर आ रहा है। ये सब बहुत जल्दी होगा, जल्दी स्पीड में बजेगा, मतलब दुगुन में, और उसके बाद जो है ये आ रहा है ओपन हाई हेट, उसके बाद जो है किक के साथ में जो ऊपर जो स्नेयर के साथ किक लगी है उसके साथ में ये ऊपर का पोर्शन आ रहा है, यहाँ पर हमने क्लैप लगा कर रखा है ये, और उसके बाद हाई हेट ओपन के साथ में ये कॉन्गो के ओपन टोन है ना, जिसमें एक टॉम्स भी लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे आ रहा है, बस यही है, और इसको आप करते जाइए। और पिकअप के लिए देखिए हम कैसे बजा रहे हैं, पिकअप ऐसे पिकअप बजा रहे हैं, मतलब दोनों को हम बजा रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के कोने वाले ऊपर वाले जो पैड्स हैं इनको दोनों को साथ में बजा रहे हैं, और धा तीन ऐसे। अब ये पूरा पैटर्न एक बार फिर सुन लीजिए कीबोर्ड के साथ में, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। तो देखा दोस्तों आपने कितना सुंदर टोन सुनाई दे रहा है, मेरा मन किया गुनगुनाने का, तो मैंने ये गीत थोड़ा सा आपको सुनाया। तो आई होप ये पैच पसंद आया होगा। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, कोई कन्फ्यूज़न मत रखिए, ये व्हाट्सअप जैसा होता है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल पर, फिर हमारे जो यहाँ पर लिंक दिया होता है डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको ये पैच वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और पैच के साथ में, किसी और गाने के पैच के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।